नमस्कार दोस्तों, मेरे जी रियल किचन में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आइए दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे मीठे कुरकुरे शक्कर पारे कैसे बनाए जाते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आइए दोस्तों हम आपको बताते हैं मीठे शक्कर पारे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। 2 कटोरी मैदा, 1 कप देसी घी, 1 कटोरी चीनी और 1 गिलास पानी। तो आइए दोस्तों हम शक्कर पारे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने मैदा में घी डाल लेते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमने जितना मैदा लिया है उसका 1/4 भाग मोइन लेना है। देखिएगा, हमने इसके अंदर अच्छे से घी मिला लिया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। और हमें ये आटा बहुत सख्त गूंथना है। देखिएगा, हमने अपनी मैदा को सख्त भिगो लिया है। इसे जितना सख्त भिगोगे आपके शक्कर पारे उतने ही स्वादिष्ट बनेंगे। अब हम इसकी लोई बना लेते हैं। हमें इसकी पर थोड़ी मोटी रखनी है। आप जिस आकार में इन्हें काटना चाहो उस आकार में काट सकते हो। हमने ये चकोर आकार में काटे हैं। आप जिस तरीके से काटना चाहो उसे काट सकते हो। इसे ज़्यादा मोटी ना काटो। ये थोड़ी इस तरह की होनी चाहिए, ना ज़्यादा मोटी और ना ज़्यादा पतली। अब हम इसे तल लेते हैं। जब तक ये हल्की ब्राउन कलर की ना हो जाए तब तक इसे हिलाते रहिएगा। अब हम चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी के लिए हमने बर्तन के अंदर चीनी डाल दी है और 1/2 गिलास पानी डाल देते हैं। अब इसे धीमी आंच पर गर्म होने के लिए रख देते हैं। देखिएगा, हमारी चाशनी भी पक चुकी है। देखिएगा, हमने ये अपने शक्कर पारे ब्राउन कलर के रखने हैं, ज़्यादा इन्हें काले भी नहीं करना है। अब हम इसे चाशनी के अंदर डाल देते हैं। इसे चाशनी के अंदर अच्छे से डुबो दें और इन्हें निकाल लें फिर साथ के साथ में। हमारे शक्कर पारों ने चाशनी पी ली है, अब हम इन्हें निकाल देते हैं। आप अपने शक्कर पारों को हिलाते रहिएगा ताकि ये चिपके नहीं। दोस्तों, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगली रेसिपी में एक नई डिश के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।